हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त कृषु। तो आज का वीडियो है, आपको पता चल गया होगा टाइटल से कि आज का वीडियो क्या है। आज का वीडियो है मेरा बर्थडे, इट्स माय बर्थडे व्लॉग गाइस। आई एम मेकिंग अ केक ओके। फिर उसके बाद शाम को भी मैं नथिंग मच बट स्पेंडिंग बर्थडे विद माय फैमिली, सो वो सारे आपको दिखेंगे। सो प्लीज वॉच माई बर्थडे व्लॉग गाइस, आज बहुत ही मजा आएगा। सीरियसली बने रही है व्लॉग पे, दिखाएं 25th बर्थडे एंड आई एम एक्साइटेड एंड मम्मी आप भी एक्साइटेड हो? ओके सो गाइस बनाते हैं तो गाइस मैं यहाँ पे ये चॉको पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है, जितना इसमें बताया था। तो मैंने यूज़ किया है पिल्स करी, तो मैं ऑब्वियसली मैं एक ओवन में बना रही हूँ, मुझे कुक करके नहीं आता बनाना, ठीक है, तो मुझे कुक करके नहीं आता बनाना, इसलिए मैं ओवन में बनाऊंगी। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लाइक 2 पैकेट्स लेकर आए थे, मेरी मम्मी 2 पैकेट्स लेके आई थी, बट मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई विथ दिस। तो पहले पाउडर डाला, इसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसको हमने ऐसे ऐसे, ठीक है, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर आप भी पिल्सबरी का लेते हो तो यहाँ पे 130 ml यानी कि यहाँ तक आपको दूध डालना, ठीक है। तो मैं अभी दूध डालूंगी इसके अंदर। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा, ये पहली बार मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन नहीं किया। मैंने ऑलरेडी रेडीमेड चॉको पाउडर जिसमें वेनिला एसेंस और शुगर मिला हुआ होता है वो लिया और टैंकर आया है। दैट्स हाउ आई एम मेकिंग। And the batter is ready. तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं मुँह फुलाई बैठी थी क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं करूँगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं करूँगी, मैं केक बनाऊँगी। एनी वेज हैप्पी बर्थडे टू मी गाइज। तो अभी मैं इस ओवन में इस ऑयल को पूरा स्प्रेड ऐसे करूंगी, पूरा आप थोड़ा पास आके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा पूरा स्प्रेड किया। लेट मी टेल यू गाइस, तो मैं पहली बार बना रही हूँ, वैसे तो मेरी मम्मी ही बनाती रहती है और मेरी मम्मी कैमरा में है, मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं बनाऊंगी तुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा चल यार 25वां बर्थडे है तो क्यों ना बस थोड़ा सा यू नो जवानी जाने मन। ओके सो ये हो गया। अब इसको हम बहुत आराम से इस टेक्सचर को डालेंगे। टेल यू गाइस, मेरी मम्मी बचपन में बहुत केक्स बनाती थी, बहुत ज़्यादा केक बनाती थी और मतलब हम लोग को खिलाती थी और बहुत सारे यू नो इतने आइटम्स एंड यू वोंट बिलीव, लाइक हम लोग डेकोर करते थे, मैं डेकोर करती थी अपनी बर्थडे का ही और मम्मी खाना बनाती थी और खाने में बहुत ही डिलीशियस बिरयानी ये सब मतलब ये सब बनाती थी मेरी मम्मी और केक भी बनाती थी बट चॉकलेट फ्लेवर नहीं, वो वेनिला फ्लेवर का होता था हमेशा एंड वी ऑलवेज लव्ड इट। बट जैसे जैसे टाइम भी था तो क्या करें, अभी तो होता ही है। तो गाइस अभी हम ओवन में डालेंगे तो आपको दिखाती हूँ। सो गाइस हमने 30 मिनट्स के लिए डाले, अब देख सकते देख सकते हो गाइस।
गाइस बन गया है, तो मैं इसको बाहर निकालूं। We'll be right back.